बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है और ये है विलेज फूड सीक्रेट। जब मैंने शुरू किया उस वक्त बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि इस YouTube चैनल की वजह से मेरा छोटा सा गांव गूगल मैप पे भी इसे आ जाएगा और लोग पूरी दुनिया में इस गांव को जो है वो जानना शुरू कर देंगे। गांव में जो है ज़्यादातर गुजारा जो है वो ज़िमींदारे पे किया जाता है। कुछ लोग हैं वो जो जॉब करते हैं तो वो शिफ्ट कर जाते हैं शहरों की तरफ। पूरा हफ्ता जो है जॉब करते हुए मुझे सियालकोट में रहना पड़ता था। अम्मी अब्बू के लिए खाना जो है मैं हफ्ते और इतवार वाले दिन अपने हाथों से बना के उनको खिलाता था। फिर मुदस्सर भाई ने कहा कि कुकिंग तो आप ऑलरेडी करते हैं और घर वालों को भी पसंद है, हम सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा करें कि खाने बनाने का जो है ना यूट्यूब चैनल आप बना लें। मैंने YouTube के बारे में तब सुना था जब मैं मोबाइल शॉप पे काम करता था, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन था मेरे पास। तो जब इन्हें पता चला तो ये एक्साइटेड थे क्योंकि ये हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। मैं एक संडे को जब गाँव आया तो आलू जो है वो मैंने अपने खेतों से निकाल के आलू वाला पराठा जो है वो बनाया, वो वायरल हो गया। तो यहाँ पर हमारा है पुराना ट्राईपोड। ये जो मस्जिद के अंदर माइक होता है वहाँ से आइडिया है, ये पाइप लगा दिया गया है और इसके साथ चार सरिये लगा के सपोर्ट किया गया है और इसमें फ़िक्स करने के लिए मिट्टी डाल दी गई है। और कभी भी सोचा भी नहीं था कि ये सेटअप से हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आज हम बनाएंगे देगी पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ा ही मज़े का बनता है। जब हम दोस्त साथ बैठते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि आप ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था कि मुझे ना मालिक लगना है। वो सब लोग मुझे मजाक करते थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, हम तो अभी खुद किसी के पास जो है वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की वजह से वो वक्त आ चुका था, वीडियोज़ हर एक वायरल हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तानी यूथ, क्या जहाँ जहाँ पे भी लोग मुझे देख रहे हैं, हर कोई कामयाब हो सकता है अगर वो अपनी ही स्टोरी बताता है, अपने शौक को लेके आता है यूट्यूब पे। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप सोच भी नहीं सकते आप कितने कामयाब हो सकते हैं।